सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आपका स्वागत है जंस्कार सीरीज के एपिसोड 3 में। मैं हूँ अभी जिस्पा में। जिस्पा है भाई मनाली से अराउंड 80-90 किलोमीटर, डिपेंडिंग आपका स्टे कहाँ पर रहने वाला है। एंड टेम्परेचर जिस्पा में भाई रात को -2-3 तक चला गया था कल। और जिस्पा रुकने का रीज़न ये था क्योंकि जो हमारे साथ बाकी लोग हैं वो काफ़ी नीचे से आए हैं, नीचे से एज इन सी लेवल के पास से आए हैं, लाइक बैंगलोर से। तो क्लाइमेटाइज करवाने के लिए भाई जिस्पा ठीक स्टॉप रहता है। अगर आप सीधा मनाली से जंस्कार घुसोगे तो आपको भाई सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी। तो मेरा सजेशन भी यही रहेगा, आप जिस्पा में एक रात स्टे करो ताकि आपकी बॉडी भी यूज टू हो जाए हाई एल्टीट्यूड के लिए। बाकी कार भाई एक बार कोल्ड स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि ठीक रहेगा, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि आज की जर्नी होने वाली है बहुत एडवेंचरस। क्या हाल है सर? गुड मॉर्निंग। फुल एक्साइटेड हो आज चलने के लिए? सो गुड मॉर्निंग कॉफी यहाँ सनलाइट के साथ पी रहे हैं भाई, और साइड में से पानी जा रहा है, सामने भाई जानवर घास चर रहे हैं। बहुत ही भाई सुंदर व्यू है यार यहाँ से, और व्यू से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेचर के इतने क्लोज बैठे हो, बड़े ना थेरेप्यूटिक है ये सब। वीडियो में शायद समझ में ना आए पर यहाँ बैठ के जब ये सब फील करोगे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, बड़ा रिलैक्सिंग है। फटाफट पीते हैं कॉफ़ी। 8:30 हमारा रहेगा ब्रेकफास्ट, 9 बजे तक हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि आज हमने क्रॉस करना है शिंकुला पास। शिंकुला पास भी भाई काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, चढ़ाई काफ़ी रहती है, तो काफ़ी गाड़ियों का भाई ना परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है। एंड ट्रक्स वगैरह भी जाते हैं तो भाई जाम लगने का भी रहता है, तो जितना टाइम से निकलेंगे उतना बढ़िया है। बाकी आज सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये वाला रूट मैंने अभी तक करा नहीं है। जिस्पा से पूर्णे की जर्नी भी भाई 80-90 किलोमीटर रहेगी, 4-5 घंटे का स्ट्रेच है अगर आराम से चलो तो। बाकी देखते हैं जैसे जैसे रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। मैं फ़िलहाल अपनी कॉफ़ी करता हूँ ख़त्म, सामान करता हूँ पैक, फिर आपको मिलते हैं सीधा जब निकलते हैं यहाँ से। आइए, आपका इंतजार था। ओ भाई मेरे, चलना नहीं क्या? क्या खाना है? 8:30 कमिट किया था मैंने, यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे 8:30 और भाई 9 बजे हैं। सॉरी 9:30 ही सेड था। 9:30 इसने मुझे 1 घंटे पहले उठाना चालू कर दिया। सो फाइनली भाई जिस्पा से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। लेट हो गए हैं काफी, वैसे तो 9:30 बज गए हैं, बट अब क्या करें, जब ज्यादा लोग होते हैं तो भाई सबको लेके चलना पड़ता है ना, इसलिए अब यहाँ से अब अपनी जर्नी स्टार्ट होगी। आज का भाई वीडियो बहुत एडवेंचरस रहने वाला, अभी तक तो ना बच्चों वाला ट्रिप कर रहे थे, पर जो इसके लिए आज के डेली व्लॉग में हम सबको बाहर निकाल रहे हैं फोटोज के लिए। फोटो फिर खींचनी है, फिर क्या होता है, तो खींचो फिर, चलो फिर। चलो थार आगे, ओ सॉरी जिमनी आगे, थार बीच में, हम पीछे। तो यहाँ से रास्ता हमारा राइट के लिए ले, हमें जाना है शिंकुला, तो हम जाएंगे सामने और पीछे था अपना दारचा चेक पोस्ट जहाँ पे एंट्री होती है हमारी, आगे रुकते हैं एक बारी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। ओके ओके, सो यहाँ से पदुम है 143 किलोमीटर, शिंकुला है 39, पूर्णे समवेयर अराउंड भाई 80-100 के बीच में पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं है। ये यहाँ पिक्चर क्लिक करी थी भाई तीनों गाड़ियां लाइन में लगा के।
पियो करो मौज मौज, मिलते ना है मौके रोज रोज, खाओ पियो करो मौज मौज, मिले ना जो लो तुम खोज खोज, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो लो तुम खाओ पियो करो मौज मौज, मिलते ना है मौके रोज रोज, खाओ पियो करो मौज मौज, मिले ना जो लो तुम खोज खो, खाओ पियो करो मौज मौज, मिलते ना है मौके रोज रोज। मॉर्निंग एवरीवन, 8 तारीख है 13 जून, हम जा रहे हैं शिकला पास और वहाँ का तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो। ओवर एंड आउट। अभी शिंकुला की चढ़ाई है, ऊपर हो रही है, एक बंदा I-20 लेके आया हुआ है, उसकी गाड़ी चढ़ नहीं रही है, जूम इन हो जहाँ। अब हमारी कैसे जाती है वो देखने वाली बात है। 4x2 में ही लेके जा रहा हूँ मैं तो, जरूरत पड़ेगी तो ऑन कर लेंगे, बाकी लगता नहीं जरूरत पड़ेगी। रॉक्स है मेजरली वैसे तो, इन पर टायर्स स्लिप मार सकते हैं। पहले जिमनी जाएगी, फिर थार जाएगी, फिर हम जाएंगे। थार पूरी लेगी, क्योंकि थार का स्टॉक सस्पेंशन है ना। हाँ, तो गाइस ये सारा रिवर है जो जमा हुआ है इस टाइम, देख सकते हो। जून के महीने में भी भाई इतनी बर्फ है यहाँ पर, मजा आ गया भाई देख के। चेक करो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो भाई फोटो वोटो खिंचवा लिए, अब निकलते हैं जरा यहाँ से, एक लास्ट वीडियो दिखा देता हूँ आपको गाड़ी का, क्या लग रही है यार। भाई शिंकुला क्रॉस करने के बाद ना सड़क तो भाई है ही नहीं, सारा ही रास्ता ऐसा है, क्या गाड़ियाँ कूदती हुई जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ रोड पैच है। तो पहला जाम मिला हमें आगे, कुछ पता नहीं ट्रैफिक लग गया है, काफ़ी देर हो गया खड़े, सभी लोग रुके हैं तो हम भी रुके हैं भाई, वेट कर रहे हैं। बाकी जो शिंकुला से जहाँ तक का भाई पैच था ये नेक्स्ट लेवल था भाई, बढ़िया खड्डे थे इसके अंदर, ग्राउंड जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना उन गाड़ियों के भाई यहाँ बम्पर टिक जाएंगे 100%। तो ऊंची गाड़ी लेके आना, नहीं तो भाई यहाँ दिक्कत आ सकती है भाई। कहीं देर होगी खड़े खड़े जाम में, गाड़ी में बैठे बैठे ना भभका सा हो रहा है सर में, बाहर तो मौसम ठीक है, अंदर गर्मी हो रही है। एक बार देख ही आते हैं क्या चल रहा है भाई। यहाँ काम चल रहा है भाई, ये होगा तो यहाँ से रिलीज होगा, फिर नीचे वाली भी छूट होगी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गोम्बो रन, वो क्या है इसका नाम, गोम्बो रन, ऐसा थोड़ा मुंह घुमा के बोलिए क्या बोल पाएंगे, गोम्बो रन जो ऐसे बोल। तो भाई यहाँ के, हाँ तो भाई यहाँ के लोग इसको भगवान मानते हैं, तो इसकी पूजा की जाती है, ये एक सेक्रेट माउंटेन है यहाँ का। बाकी डिटेल में आपको स्टोरी जाननी तो आप गूगल कर लेना यार, जो भी है बहुत बेहतरीन और सुंदर लग रहा है यार। इसको खड़े हो गए यार, निहारते हैं थोड़ी देर और कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। गाड़ियों की हालत देखो भाई, शिंकुला पास से यहाँ तक का रास्ता तो भाई ख़त्म ही है लगा लो, आज टेस्ट हुआ है असली सस्पेंशन, तो इतना इतने खड्डों में ऐसे डप भट भट गई है ना गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ अब लग रहा है लद्दाख जा रही हैं या जंस्कार जा रही हैं बोलो, तो अब देख सकते हो आप।
क्या हो गया बाल को? हाँ ये यादों का ही है सफर, तू भी चुन ले मुझे हम सफर, है खुदा मेहरबा जो अगर खिल ही जाएगा दिल का नगर। हाँ ये यादों का ही है सफर, तू भी चुन ले मुझे हम सफर, है खुदा मेहरबा जो अगर खिल ही जाएगा दिल का नगर। ये देखो भाई कौन से जानवर की हड्डी है, किसी का सर पड़ा है यहाँ पर। भाई जंस्कार आते हो तो यहाँ ज़रूर रुकना, हाईली रिकमेंडेड। लोग यहाँ कैंपिंग करने भी आते हैं बट यहाँ स्टॉप ज़रूर लगाना, बहुत सही जगह है भाई ये। करते हैं मैगी एंजॉय, भाई भूख लग रही है। A few moments later. So, खाना पीना हो गया भाई, फ़ोटो वोटो भी होगी, चलते हैं फटाफट पूर्णे क्योंकि वहाँ पे आज अपनी बुकिंग है। लेट हो गए तो भाई हो सकता है किसी और को भी दे दें, तो सीधा यहाँ से निकलते हैं पूर्णे। पूर्णे और लगेगा हमें डेढ़ घंटा, टाइम हो गया भाई 2 बज गए, तो 3:30 बजे तक पूरे लगानी है गाड़ी, तो चलते हैं भाई फटाफट। यहाँ पर एक और चेक पोस्ट आता है जहाँ पे अपना आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर, हर गाड़ी में से एक बंदे को अपनी इन्फॉर्मेशन लिखवानी पड़ती है सिक्योरिटी रीजन से, कल को कहीं कोई लापता हो जाए तो भाई इनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि भाई बंदे यहाँ से आए थे, इस गाड़ी में आए थे। तो भाई यहाँ ज़रूर रुकना है, इसे इग्नोर मत करना, करवा के जाना। यहाँ से व्यू चेक करो, है तो सारा ऑफ रोड, ये उस तरीके का रास्ता है जैसा पहले लद्दाख का होता था। यहाँ पर आपको रियल एडवेंचर मिलेगा भाई, यहाँ पर तैयारी से आना भाई, टायर फटने के पूरे पूरे चांस है क्योंकि बहुत ही शार्प पत्थर है रोड पर ना, तो अगर आपके टायर हाईवे टेरेन या मतलब सॉफ्ट कंपाउंड के हैं इजीली कट सकते हैं भाई यहाँ पर, मतलब बहुत मामूली बात होगी अगर टायर यहाँ फटता तो बिल्कुल बिल्कुल कट सकते हैं। थोड़ी देर की बात हो रहा है, आज का स्टे हमारा पूर्णे में है, अब सीधा वहीं पहुंच के दिखाते हैं आपको। यहाँ ऐसे ना मशीन के थ्रू रास्ता खाली कर करके रोड साफ करी जा रही है, अभी भी प्रॉपरली साफ हुई नहीं है रोड हर जगह पे। और यहाँ पे कम से कम 50 भी वर्कर बैठे हुए थे पहाड़ी, जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पत्थर हटाना, रोड साफ करना, भाई इनको हैट्स ऑफ है सच में, सीरियसली भाई हैट्स ऑफ। इतनी धूल में हमसे गाड़ी में नहीं बैठा जा रहा इस टाइम, गाड़ी के अंदर इतनी गर्मी है, मिट्टी लग रही है, ये बेचारे सड़क पर बैठे हैं, यहाँ से दिन भर गाड़ियाँ जाती हैं और ये धूल हम धूल, इनकी स्किन भी ख़राब हो चुकी है भाई धूप में बैठ बैठ के, धूल से बहुत टफ टफ लाइफ है यार यहाँ के लोगों की ना। हम लोग तो चलो 5-10 दिन के लिए आते घूम के चले जाएंगे, इन्हें भाई यहीं रहना सारा साल और काम भी करना है। इस तरीके से ये लोग भाई सारा दिन यहीं पे काम करते रहते हैं, देख सकते हो कितनी धूल उड़ रही है भाई यहाँ पे, कैमरे में शायद दिख ना रही हो पर भाई धूलम धूल हो रखा है यहाँ पर इस टाइम, बहुत ही डिफिकल्ट काम है भाई सीरियसली, हैट्स ऑफ है भाई इनको। पुरने पहुंच गए, गाड़ी की हालत देखो, अभी एक ना पत्थर लगने की आवाज़ है बहुत तेज, पता नहीं अंडर बॉडी पे लगा या साइड से टायरों पे लगा, समझ में भी नहीं आ रहा, पता नहीं मिट्टी इतनी लग गई है ना चारों तरफ, ये पत्थर बजा तो ज़रूर है इसमें नीचे लगा, आई थिंक आवाज़ आई ना बहुत तेज। और सर बता रहे हैं महिंद्रा में DF चौक का वार्निंग साइन आ गया, जो रीजनरेशन का आता है PS6 गाड़ियों में, फिर इन्होंने पानी में से निकाल ली तो चला गया, पर अगर वो चौक हो गया ना तो लिंप मोड पे चली जाती है गाड़ी, जिनको पता है PS6 गाड़ियाँ क्या रहता है, तो इसको रीजनरेट करके वो साफ़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चौक होते ही लिंप मोड पे चली जाएगी, फिर लद्दाख तक हमें
मतलब वैसे ही ले जानी पड़ेगी। तो भाई ये जो पुराने गांव हैं, वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया है ये जंस्कार लद्दाख का, यहाँ कुछ मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती, बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ना लाइट वाइट, इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क कुछ नहीं आता भाई यहाँ पे। भाई आज का स्टे अपना इन कमरों में होने वाला है, देख रहे हो पुराने ज़माने के रूम है। लाइट भी यहाँ 8 से 11 ही मिलेगी जनरेटर चलने के बाद, ना नेटवर्क ना लाइट। वॉशरूम भी कॉमन ही रहने वाला है, नीचे जाके देखना पड़ेगा भाई क्या सिस्टम। छूट गया सर। Later that same evening. लो भाई अब काटो केक। ये भी आगे आ जाओ। नहीं 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 हम वीडियो बनाएंगे आज काटो। के हमारे भाई आज हमारे सेलिब्रेशन। हाँ चलो आ रहा है आशीष। आशीष आ रहा है यार, एक माचिस की तिल्ली रख देते इसके ऊपर। हाँ यार बनाया किसने ये? हमने बनवाया है। कैसे बनवाया? भाभी से बात करके। ओ भाई साहब, भाभी ने कहा आपने दोपहर को बोल दिया था मेरे को, मैं अपने पति को बोल के मंगा लेती, उनका गलती हो गई, अभी अभी क्या जुगाड़ होगा। पैनकेक खिलाया, many more trips to you. Oh yes, happy birthday dear Mayan. The next day. So good morning from Purne. भाई कल यहाँ के ना थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करा नहीं, ऑक्सीजन लेवल क्योंकि यहाँ कम है, तो भाई मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी, झूठ क्या बोलना, मैंने सिर्फ करा भाई रेस्ट। आज हमने यहाँ से चेकआउट करना है, बट उससे पहले कि यहाँ नियर बाई एक ट्रैक है, तो बाकी के टीम मेंबर जा रहे हैं वहाँ पर ट्रैक करने, दिखाता हूँ। दो गाड़ियाँ जा रही हैं, जिमनी और थार, चार लोग, मैं और आशीष भाई जो मेरे साथ थे, हम यहीं रेस्ट करने वाले हैं। ये भाई और बहुत दिनों की जर्नी है, हम नहीं चाहते आज बॉडी एग्जर्ट करें, बीमार हो जाएं, कोई फ़ायदा नहीं, तो हमने डिसाइड करा हम यहीं रुकेंगे, ट्रैक पे नहीं जाएंगे। बाय बाय, मजे करके आना। जैसे सरचू वाला रास्ता है लद्दाख का, तो सरचू पे ऑक्सीजन कम है, वैसे ही भाई संस्कार में पूर्णे में बहुत एक्सट्रीम है यहाँ पे, तो सर पकड़ दिया था कल मेरा, तो भाई तो ज़्यादा बात करने लगे ना एकदम से, ऐसे ब्रीदिंग इशू हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ होता है तो रिलैक्स करो, पानी पियो, ORS पियो और रेस्ट करो, बॉडी एग्जर्ट बिल्कुल मत करो, दो जगह कम देख लो भाई, पर सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे भाई लाइट भी, रात को जनरेटर चलता है, नहाने का सिस्टम भी बाहर है, तो और कोई लग्जरी वग्जरी नहीं है भाई यहाँ पे, खाने में यही ऑमलेट मैगी दाल चावल यही सब मिलता है भाई यहाँ पर।